हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। भगवान शिव के भक्त उन्हें भोले बाबा के नाम से बुलाते हैं और ऐसे इसलिए कि शंकर भगवान अन्य देवताओं की तुलना में सबसे ज्यादा भोले और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। माना जाता है कि शिव की आराधना करने वाले भक्तों को उनका मनचाहा वरदान जरूर मिलता है। आपने भगवान शिव के मंदिरों में सुबह और शाम के वक्त आरती पूजा अर्चना होते हुए देखी होगी, पर क्या कभी आपने गौर किया है कि शिवलिंग के निकट कभी ताली नहीं बजाई जाती। अगर कोई भूलवश ऐसा कर भी देता है तो उसे तुरंत रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम आपको बताते हैं। प्राचीन काल से शिव मंदिर में तालियां बजाना वर्जित माना गया है। आज हम आपको बताते हैं शिव मंदिर में ताली बजाना किस समय और क्यों वर्जित है। भगवान शिव के बारे में माना जाता है भोले होने के कारण वो जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शिव शंकर के मंदिर में तालियां बजाते हैं तो उससे भगवान क्रोधित हो सकते हैं, जिस कारण आशा के प्रतिकूल फल प्राप्त होता है। उसके अलावा शिवलिंग के पास ताली बजाना भगवान शिव का अपमान भी माना जाता है। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती हमारे सारे कर्मों को भी विफल कर देती है, जिससे हमारा जीवन कष्टकारक हो सकता है। माना जाता है कि शिवलिंग के पास कभी भी 3 बार ताली नहीं बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं और ताली बजाने से उनका ध्यान भंग होता है, जिससे भगवान शिव उन पर क्रोधित हो जाते हैं। अब आप जब भी भगवान शिव के मंदिर जाए तो ये बात हमेशा याद रखें, इससे भगवान शिव आप पर प्रसन्न रहेंगे तो आपके ऊपर उनकी असीम कृपा बनी रहेगी।